अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिनको जिनको कुरान याद है, अल्लाह ताला उनसे बोलेगा एक आयत पढ़ो एक ब्रीडिंग चढ़ो, एक आयत पढ़ो एक ब्रीडिंग चढ़ो। ऐसे कितनी आयतें कुरान पूरा याद है? 6,230 पर 6 आयतें याद ही उसे उतनी ऊंची ब्रीडिंग मिले। 6,230 पर 6 ब्रीडिंग उतने स्टोरी की ब्रीडिंग मिलेगी। यूसे कुरान 10 याद, 10 आयत याद है 10 स्टोरी, 40 याद है 40 स्टोरी। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे कहा जाएगा अल्लाह की तरफ से। तो कुरान याद करना बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, बच्चे के लिए भी, अकीम के लिए भी, और उनके माँ बाप के लिए भी खुशी की बात है कि हमारा बच्चा आपी से कुरान हो गया, खुशी की बात है। कुरान याद करना आसान है, कुरान याद रखना मुश्किल है। कुरान याद करना आसान है, कुरान याद रखना वो मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताहिर कुरान, कुरान को पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि कुरान की आयतें जहन से निकल जाती। बकरी को रस्सी में बांध करे तो बकरी वहीं रहती है, रस्सी खोलने तो भाग जाती ना। वैसा ही समझो हमारे जहन में, दिल में जो कुरान है हम उसको बांध के रखे हैं, खोल लिए तो बुरी आयतें भाग जाएंगी। इसलिए बार बार दोहराते रहना, बार बार पढ़ते रहना, नफिल नमाज जब भी करते तरतीब से पढ़ते रहना, रोजाना अलहदारा नहीं पढ़ना। नफिल नमाज में, सुन्नत नमाज में आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अलहदारा तीन आते प्रवेश हमेशा ऊपर नहीं, आप इसों को ऐसा नहीं करना, तरतीब से पढ़ते रहना कुरान। वो नफिल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, कुछ भी हो, और कब भी मौका मिला कुरान पढ़ना शुरू कर देना। कहीं जैसे आए खाने देर में पढ़ते रहना कुरान, अपनी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहना, जब भी टाइम मिलता कुरान पढ़ते रहना।